So our next topic is sex determination. The mechanism of sex determination is puzzled before the genetics. The initial clue goes to the chromosome. Chromosome mechanism of sex determination. जदों chromosomes की investigation हुई उस तो बाद ही असी sex determination के बारे जान सकें. But these experiments are done on the insects. सब तो पहला ये ज़्यादातर एक्सपैरीमेंट्स उन्होंने किए थे कितने इनसैक्ट्स के उत्ते. साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन ए नंबर ऑफ इनसैक्ट्स लेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ द जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन. साइटोलॉजी मीनस सैल की, जदों सैल की स्टडी कर रहे थे, सैल न ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि नंबर ऑफ इनसैक्ट कई इनसैक्ट्स के उन्होंने उदों ही सैक्स डिटरमिनेशन बारे कुछ देख लिया कि कोई चीज़ आ जिहड़ी कि मियोसिस ते माइटोसिस मीनस डिवीज़न होने तो बाद किसे च जांदी आ किसे च नहीं जांदी, बट उस टाइम ते उन्हां नूं पता नहीं सी उह की चीज़ आ. जदों वो साइटोलॉजी हुंदा सैल दी ऑब्जर्वेशन सैल दी स्टडी कर रहे सी. हैंकिंग साइंटिस्ट आ इन 1891 दे विच उसने की कीती पुत्तर जी, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नूं देख रहा सी तो उहदे विच उहने देखिया न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आल थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इनसैक्ट्स. उहने कुछ इनसैक्ट्स दे विच देखिया कि जिहड़ी न्यूक्लियर स्ट्रक्चरस आ उहनां च कुछ स्पैसिफिक, कुछ दे विच स्पर्मेटोजेनेसिस दे टाइम दे उत्ते स्पैसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनदी आ, कुछ दे विच नहीं. इट वॉज़ ऑब्जर्वड आई हिम, उहने की देखिया कि 50% स्पर्म दे विच उह स्ट्रक्चर चली जांदी आ ते 50% स्पर्मेटोजेनेसिस तो बाद 50 चे स्पैसीफिक स्ट्रक्चर चली जाती है तो 50% विचो स्पैसीफिक स्ट्रक्चर नहीं जाती, 50% स्पर्म दे विचो स्पैसीफिक स्ट्रक्चर नहीं जाती. हैंकिंग ने उसनों एक नाम देता एक्स बॉडी, कि कोई एक्स बॉडी आ जिहड़ी 50% स्पर्म च चली जाती है तो 50% स्पर्म दे विच नहीं जाती, पर उहदा की सिग्निफिकेंस आ ये नहीं दस पाया. उस तो अगे जिहड़ियां स्टडीज़ होईयां उन्होंने कंकलूड किया कि जिहड़ी एक्स च बॉडी आ हैंकिंग दी ओ दरअसल दे विच इक क्रोमोसोम आ जिसनूं बाद विच एक्स क्रोमोसोम दा नाम दिता गया आ. द इनसैक्ट्स दे विच सैक्स डिटरमीनेशन इस एक्स क्रोमोसोम दे बेस दे उत्ते कीता गया ते उहनूं उहनां दे विच इनसैक्ट्स दे विच जिहड़ा सैक्स डिटरमीनेशन आ उह एक्सोटाइप दा बणिया. एक्सोटाइप दा मीनिंग पुत्तर जी इत्थे इही आ कि जिहड़े एग्स दे विच एक्स क्रोमोसोम चलिया जांदा आ. ऑटोसोम्स तो जाते ही जाते हैं, उस तो बिना बिसाइड्स ऑटोसोम्स तो एक एक्स क्रोमोसोम जाता है. जिमें उन्होंने कहा कि 50% जिन्हों के एक्स क्रोमोसोम चलिया गया वह तो एक्स टाइप के बन गए, तो जिन्हों के नहीं जाता वह ओ टाइप के बन गए, तो उन्होंने एक्सो टाइप बन गए. वे सम डू नॉट, कुछ दे विच नहीं जाता. तो एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल, तो जिहड़े एग नूं उस स्पर्म ने फर्टिलाइज करता जिहदे कोल एक्स क्रोमोसोम आ तो वह फीमेल बन गया, तो दोज दैट इज़ फर्टिलाइज बाय अदर स्पर्म्स दैट डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम दैट बिकम मेल. तो थोड़े कोल इनसैक्ट्स दे विच टाइप आ गई एक्सो टाइप, उहदा मतलब उस स्पर्म दे विच एक्स क्रोमोसोम जाता नहीं. एक्स का मतलब आ कि जाता है, जिहदे च एक्स क्रोमोसोम चलिया गया इस एक्स क्रोमोसोम फीमेल दे फीमेल कोल तो दोनों एक्स ही होंदे ने, एक्स नाल मैच कर गया तो मेल बनना आ, जिहदे च ओ जाके एक्स नाल लग्या तो वह तुहाडे कोल की बनना मेल. ड्यू टू द इनवॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटरमीनेशन ऑफ सैक्स, इहनूं असीं कहता एक्स क्रोमोसोम दा दूसरा नाम दसता सैक्स क्रोमोसोम रखता आ, ते बाकी दे जिहड़े क्रोमोसोम्स ने बॉडी दे उहनां नूं ऑटोसोम्स कहिंदे आ. ग्रास हॉपर दी एग्जाम्पल आ उहदे विच एक्सोटाइप ही सैक्स डिटरमीनेशन. फीमेल्स को ए पेयर हों एक्स एक्स का तो मेल को एक्सो हों. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रैस हॉपर. दीज ऑब्जरवेशनस लैड टू द इनवैसटीगेशन ऑन ए नंबर ऑफ स्पीसीज. उस तो बाद उन्होंने होर स्पीसीज के उत्ते इनवैसटीगेशन की सैक्स डिटरमीनेशन के मकैनिज़म होर डीपली जानने वास्ते. उस तो बिना उन्होंने कुछ होर इनसैक्ट्स से भी की, मैमल्स से भी की, ईवन मैन से भी की. फिर उन्होंने को टाइप आई वो एक्स टाइप सैक्स डिटरमीनेशन आ गई. बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेल तो फीमेल को एक सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ने, मीनस वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. जिहड़ा ह्यूमन बीइंग आ उहदे विच 23 पेयर क्रोमोसोम्स ने, जिहदे विचों पुत 22 ऑटोसोम्स ने ते 1 साडा सैक्स क्रोमोसोम्स आ पेयर.
Among the male, the X chromosome present, but its counterpart is smaller called the Y chromosome. हुण मेल दे विच उन्होंने की दस्या कि जिहड़े मेल ने ड्रोसोफिला आ इहदी सेम सैक्स डिटरमीनेशन आ जिस जिहड़ी ह्यूमन बीइंग दियाँ जिहड़ा मेल आ उहदे विच एक्स वाई आ जिहड़ा वाई आ उह वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम तो छोटा आ इधर एक्स सेम साडे दे विच आ सेम किहदे विच ह्यूमन बीइंग दे विच बोथ मेल ने बीर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई मेल कोले ऑटोसोम ते एक्स वाई हुंदा या ऑटो मेल कोले ऑटोसोम ते एक्स वाई या फीमेल कोले ऑटोसोम ते एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ने इस तो बिना है पुत्र जी टू टाइप्स ऑफ सैक्स डिटरमीनेशन मकैनिजम आ गए साढ़े कोले एक एक्सो टाइप का ते एक्स एक्स है वाई टाइप का दोनों दे विच जिहड़ा मेल आ उहदे कोले डिफरेंट टाइप के गैमिट पैदा करता है एक एक्स दे उहदे एक्स ते वाई दे ठीक है तो इस तरह के जिथे मेल दो डिफरेंट टाइप्स के गैमिट पैदा करता है उस तरह की जिहड़ी सैक्स डिटरमीनेशन मकैनिजम उन्हें कहते हैं मेल हिटरोगैमी डिफरेंट टाइप्स से पैदा करता है बट इन सम ऑर्गेनिजम लाइक बर्ड्स उत्थे अलग का मकैनिजम सैक्स डिटरमीनेशन का वाई बिकॉज उत्थे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ मेल एंड फीमेल सेम ने बट डिफरेंट टाइप के गैमिट उत्थे कौन पैदा करती है फीमेल तो उत्थे फीमेल हिटरोगैमी आ इहदी एग्जाम्पल उन्होंने दसी आ कि फीमेल जिहड़ा बर्ड आ उह तुहाडे कोले दो तरह के क्रोमोसोम ने उहदे कोले जैड ते डबल्यू फीमेल हैव जैड ते डबल्यू एंड मेल हैव अ पेयर ऑफ डबल्यू क्रोमोसोम इत्थे फीमेल एंड हिटरोगैमी आ हेयर दिस वन इज़ द मेल जिहदे कोले अ पेयर ऑफ सेम क्रोमोसोम्स ने ते जिहदे कोले डिफरेंट टाइप्स दे दो क्रोमोसोम्स ने जैड ते डबल्यू ओ थोड़ी कड़ी हैगी आ फीमेल आ फीमेल हिटरोगैमी आ आम तौर पर मेल हैम होमो ने बट बर्ड्स दे विच उल्टा बर्ड्स दे विच फीमेल हिटरोगैमी आ ते मेल ते फीमेल दा होना फीमेल ते डिपेंड करदा आ बाकी दे विच इनसैक्ट्स दे विच ते ह्यूमन बीइंग्स दे विच मेल ते फीमेल दा होना डिपेंड करदा आ मेल दे उत्ते बिकॉज मेल इज़ हिटरोगैमी दिस इज़ ऑल अबाउट योर सैक्स डिटरमीनेशन